दोस्तों, मासूम सी भोली भाली सी नजर आने वाली सोनिया हुसैन मौजूदा दौर की मकबूल नौजवान अदाकाराओं में से एक है। इन्होंने 2011 में ड्रामा सीरियल दरीचा में साइड रोल करके अपनी अदाकारी के सफर का आगाज किया था। तहम सोनिया का चेहरा प्रोड्यूसर्स और फैशन की दुनिया के लोगों को मुनफरिद लगा। अगले ही वर्ष सोनिया हुसैन की झोली में कई ड्रामे आ गए और सोनिया ड्रामों में लीड रोल करने लगी। साथ ही मॉडलिंग की दुनिया में फैशन शूट्स में भी उन्हें पसंद किया जाने लगा। जिसके बाद दीगरे सोनिया ने कई सुपरहिट ड्रामों में मरकजी किरदार निभाया। साल 2015 में जब सोनिया हुसैन के 5 ड्रामे नशर हुए, उसी वर्ष हदायतकार जामी की फिल्म मोर में सोनिया ने खुद को अहम किरदार में मनवाया। 2018 में सोनिया की फिल्म आजादी को बॉक्स ऑफिस पर खास कामयाबी नहीं मिली। ताहम वो इस वक्त भी 3 फिल्मों का हिस्सा हैं, जिनमें सॉरी, टिच बटन और लफंगे शामिल हैं। सोनिया की शख्सियत के बहुत से दिलचस्प पहलू हैं। वो किसी फैशन शूट में मगरबी मुल्क की हसीना लगती हैं, तो किसी शूट में मशरकी हुसन की मिसाल दिखाई देती हैं। सादा किरदार हो तो सोनिया की मासूमियत कमाल लगती है, और ग्लैमरस किरदार हो तो उनकी शख्सियत से ज्यादा चमकदार स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं देता। सोनिया ने कुछ माह कबल जब इंकशाफ किया था कि उन्हें ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो की ऑफर हुई थी, तो खलील कमर ने बयान दिया था कि सोनिया अभी इस काबिल नहीं कि मेरा स्क्रिप्ट कर सकें। तहम सोनिया हुसैन ने इस बयान पर कोई सख्त रद्द अमल नहीं दिया था। वो सिर्फ उतनी ही बात करती हैं जितनी उन्हें करना अहम लगती है। सोनिया खुद को फेमिनिस्ट कहती हैं, लेकिन साथ ही ये बयान भी दे चुकी हैं कि वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे की हामी नहीं है। यानी इस मामले में वो खलील कमर की किसी हद तक हम ख्याल भी हैं। दूसरी जानब इंटरव्यू में सोनिया ये भी कह चुकी हैं कि एक दूसरे को चाहने का रिश्ता शादी से ज्यादा अहमियत का हामिल होता है, और जब आपको लगे कि कोई तो है जो आपके साथ खड़ा है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी ऐसे ही एक ताल्लुक में थी और वो ताल्लुक बहुत अच्छा लगता था। हम एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते थे, लेकिन वो रिश्ता खत्म हो गया। सोनिया को अपने वतन से बहुत मोहब्बत है। शायद इसी मोहब्बत में उन्होंने फिल्म आजादी में अदाकारी की थी। सोनिया बताती हैं कि जब वो इंडस्ट्री में आई थी तो उन्हें बहुत सी भारतीय अदाकाराओं में मिलाया जाता था। इन्हें भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा में भी मिलाया जाता रहा है, लेकिन हमारे ख्याल में वो बॉलीवुड अदाकाराओं से ज्यादा पुरकशिश हैं। सोनिया हुसैन कहती हैं कि पाकिस्तान में लोगों को बॉलीवुड का खपत है, लेकिन एक तरह से ये गलत नहीं, क्योंकि दोनों ममालक कई लिहाज से एक जैसे हैं। ताम अपने फनकार को किसी दूसरे फनकार से मिलाने पर मुझे ऐसा गुमान होता है जैसे अवाम अभी तक अपने सितारों को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है, और यही वजह है कि हम अपने मुल्क में बहुत बड़े सितारे नहीं बना पाते। सोनिया हुसैन की एक फिल्म टिच बटन गुज़श्ता ईद उल फितर पर नुमाइश के लिए तैयार थी, तहम कोरोना वायरस की वबा की वजह से उसे मौखर करना पड़ा। टिच बटन की प्रोड्यूसर अदाकारा उर्वा हुसैन है, जिनके साथ माजी में सोनिया हुसैन का झगड़ा भी हो चुका है। तहम ये सोनिया के खुश इखलाक होने की जमानत है कि उर्वा अब उनकी दोस्त हैं। फिल्म टिच बटन में सोनिया हुसैन का किरदार एक पंजाबी लड़की की कहानी है जिसका अंदरून पंजाब से ताल्लुक है। इस हवाले से सोनिया का कहना है कि ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी था, क्योंकि मैं कराची से हूँ तो वो अंदाज और लहजा पकड़ना जरा मुश्किल होता है। तहम हदायतकार कासम अली मुरीद ने काफी मदद की। इस तरह का किरदार पहले कभी नहीं किया था, इसलिए मजा भी आया। सोनिया जल्द ही नबील कुरैशी की हदायत में बनी शानी अरशद की म्यूजिक वीडियो में भी दिखाई देगी। ये वीडियो गैरत के नाम पर कत्ल के मौजू पर है, और इसमें सोनिया के साथ मोहसन अब्बास हैदर हैं। पाकिस्तान में फनकारों, खसूसन खवातीन फनकारों की बढ़ती हुई ट्रोलिंग पर सोनिया हुसैन का कहना है कि सोशल मीडिया जैसे लोगों के पास एक खिलौना आ गया है। इन्हें समझना चाहिए कि किसी का एक लफ्ज किसी दूसरे के लिए कितनी तकलीफ का बायस बन सकता है। आजकल सोनिया हुसैन ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा में लीड रोल अदा कर रही हैं। तमाम इस ड्रामे पर बॉलीवुड फिल्म की कॉपी होने का इल्जाम भी लग रहा है। इस हवाले से सोनिया हुसैन ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि जब इस पर रद्द अमल आया तो उन्हें झटका सा लगा, क्योंकि सिर्फ पहली झलक पर ही कह देना कि ये किसी और की नकल है मुनासिब नहीं, क्योंकि कई कहानियां एक दूसरे से मुमासलत रखती हैं। नकल का इल्जाम न सिर्फ अदाकार के लिए तकलीफदेह होता है, बल्कि पूरी प्रोडक्शन टीम के लिए भी अजियत का बायस बनता है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें इस ड्रामे का स्क्रिप्ट दिया गया तो उन्हें बहुत पसंद आया था, और मैं इसे अब तक के फनी सफर का बेहतरीन स्क्रिप्ट समझ रही थी, मगर इसके बाद जब इतनी ज्यादा तनकीद हुई तो मैं खुद भी थोड़ी सी परेशान हो गई। सोनिया ने अपने मदाहों से कहा कि ये ड्रामा यानी मोहब्बत तुझे अलविदा नकल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब उन्हें कहा गया तो उन्होंने मजकूरा फिल्म के कुछ हिस्से देखे हैं, इसलिए वो कह सकती हैं कि ये ड्रामा इससे मुख्तलिफ है। सोनिया ने बताया कि गुज़श्ता साल उन्हें 2 ड्रामों की पेशकश हुई जिसमें लड़की का किरदार ऐसा था कि वो बहुत ज्यादा अमीर होना चाहती है। ताहम उन्होंने ये ड्रामा इसलिए नहीं किया कि उसमें लड़की के किरदार में बहुत उतार चढ़ाव हैं। इस ड्रामे के मुकालमे जानदार हैं, और इसके कुछ हिस्से में उन्हें महसूस हुआ कि बतौर खातून ये उन्हें नहीं करना चाहिए था।